नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज दिनांक 24 मई 2021 शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण समाचारों के साथ उपस्थित हूँ। छात्रों का तनाव दूर करने बोर्ड ने लॉन्च किया CBSE दोस्त फॉर लाइफ ऐप। विद्यार्थियों के सवालों में उलझा CBSE, छात्र पूछ रहे कोरोना और लॉकडाउन कब खत्म होगा, परीक्षा होगी या नहीं। उलझन यह भी कि 10वीं की तरह ही 12वीं बोर्ड में भी प्रमोशन करेंगे, तारीख तय नहीं होने से बढ़ रहा तनाव। CBSE 12वीं बैठक बोर्ड आज बोर्ड ने चुने दो विकल्प प्रमुख विषयों की परीक्षा का प्रस्ताव। भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य हुई आज की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बैठक में कुछ भी अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इस वर्चुअल मीटिंग में सभी राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं पर अपने अपने सुझाव साझा किए। अब 1 जून तक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार कक्षा 10वीं 12वीं की एग्जाम पर लेगा अपना अंतिम निर्णय। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक राजनाथ सिंह ने सभी शिक्षा मंत्रियों से कहा 2 दिन में सभी अपनी लिखित राय भेजें, राज्यों से मत मिलने के बाद 30 मई को होगा फैसला। 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर 30 मई को आखिरी फैसला। CBSE 12वीं में साइंस, कॉमर्स, कला स्ट्रीम के सिर्फ 3 प्रमुख विषयों की परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है CBSE। अगर यह फैसला लेता है तो राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा भी इसी फॉर्मूले के आधार पर करा सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे संकेत दिए हैं। CBSE 12वीं के एग्जाम पर फैसला। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के केवल 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो सकते हैं। कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे सके तो मिलेगा एक और मौका। CBSE के पास 12वीं एग्जाम के 2 विकल्प। पहला, मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा सेंटर पर हो, इनके नंबर्स को आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट्स में भी नंबर दिए जा सकते हैं। दूसरा, सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए 90 मिनट मिले, पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शार्ट क्वेश्चंस हो, 45 दिन में एग्जाम हो सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय फाइनल ईयर एग्जाम स्थगित, अब 7 जून से होगी परीक्षाएं। इग्नू में दिसंबर टर्म एंड परीक्षाओं के लिए री वैल्यूएशन की तिथि बढ़ाई। प्रदेश के 20 लाख से अधिक बच्चों की पुस्तकें लॉकडाउन में अटकी, खेलकूद सामग्री भी नहीं हो पा रही अनलॉक, बच्चों का दर्द सरकार ने किया प्रमोट, लेकिन अगली कक्षा की कैसे करे पढ़ाई। स्कूल संचालकों को महीनों पुराने किताबों के ऑर्डर भी नहीं मिले। 12वीं में सिर्फ 3 विषयों की परीक्षा करा सकता है बोर्ड। कोरोना के चलते एग्जाम न दे पाने वालों को दूसरा मौका मिल सकता है। 12वीं में 174 विषय, 20 ही प्रमुख। ज्यादातर राज्यों ने कहा परीक्षा जरूरी पर छात्रों पर मानसिक बोझ नहीं पड़े। स्कूलों में शुरू होगी NCC। केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों में अब स्ववित्तीय पोषण योजना के तहत NCC विंग शुरू होगी। RBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा, इन विकल्पों पर चल रहा विचार। 10वीं की बोर्ड परीक्षा CBSE ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। ऐसे में विभाग के पास दोनों विकल्प खुले हैं, परीक्षा हो भी सकती है और नहीं भी। 12वीं की परीक्षा CBSE ने 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। अन्य राज्यों में भी 12वीं की परीक्षा अभी रद्द नहीं हुई है। 12वीं की परीक्षा को लेकर देश भर के बोर्डों को एक रूपता रखनी होगी। कोरोना केस कम होने के बाद ही बोर्ड एग्जाम संभव, दूसरे विकल्प भी तलाश रहे शिक्षा मंत्री डोटासरा। व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर फर्जी फॉर्म, CM सहायता कोष से 4 लाख की मदद से जुड़ा फर्जी फॉर्म संदेश वायरल हो रहा। कोरोना में मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि यह पूरी तरह से फेक संदेश है। मुख्यमंत्री गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने किया स्पष्ट, कहा सर्कुलेट हो रहे इस फॉर्म का राजस्थान सरकार से कोई संबंध नहीं। 1 सप्ताह में 2 गुनी हुई बेरोजगारी दर, कोरोना काल में लॉकडाउन या तालाबंदी की वजह से लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। बीते साल से शुरू हुआ यह सिलसिला अब भी जारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई 2021 को समाप्त हुए हफ्ते के दौरान देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.5% पर पहुंच गई है, जो अप्रैल में 8% पर थी। मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगा गेटमी क्लास। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की JEE, NEET एवं CET आदि की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म गेटमी क्लास बाजार में आया है, जो कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को घर बैठे बहुत सस्ती एवं गुणवत्तापूर्व कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा। आयुर्वेद पाठ्यक्रम, UGC में अटकी डिग्री, डिप्लोमा की अनुमति, सर्टिफिकेट कोर्स भी बंद। कोटा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने गांव गांव तक आयुर्वेद के प्रति अलग जगाने के लिए 7 साल पहले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था, लेकिन आगे जारी रखने की अनुमति UGC ने नहीं दी, तो जुलाई 2020 में इस कोर्स को बंद कर दिया गया। PG और डिप्लोमा मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी। जयपुर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने PG, MD, MS और डिप्लोमा मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राजस्थान बोर्ड के 21 लाख विद्यार्थी कर रहे सरकार के निर्णय का इंतजार। 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर विभाग कर रहा विकल्पों पर मंथन।
प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जन अनुशासन लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के लिए लिए गए सुझाव के मद्देनजर प्रदेश में 24 मई से 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ब्लैक फंगस से ना घबराएं, सजग रहें, सावधानी अपनाएं। इसके लक्षण हैं नाक बंद रहना, नाक से बदबूदार पानी आना, चेहरे पर सूजन, दर्द, दांतों में दर्द व तालू, नाक या चेहरे पर काले निशान, आंखों में सूजन, आंख खुल न पाना व कम दिखाई देना या ना दिखाई देना। रहें अलर्ट। राजस्थान में 8 जून तक बड़ा लॉकडाउन, त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन 8 जून तक रहेगा। गृह विभाग से जारी गाइडलाइन में किए कुछ नए प्रावधान। मास्क नहीं लगाने पर 500 की जगह 1,000 रुपये जुर्माना। जल्दी आपका इंतजार खत्म होगा और बीएसटीसी द्वितीय वर्ष का परिणाम बुधवार तक जारी हो जाएगा। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के परिणाम में थोड़ा और समय लगेगा। यूपी पुलिस ने एसआई की 9,534 वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिन और बढ़ाते हुए 15 जून 2021 कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय फाइनल ईयर एग्जाम स्थगित, अब 7 जून से होगी परीक्षाएं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर द्वारा 17 जुलाई 2021 के लिए भारतीय नागरिकों से विभिन्न विभागों के लिए सीनियर रेजिडेंट पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई 2021 से 21 जून 2021 साढ़े 5 बजे तक रहेगी। 1 जून को होगी सीबीएसई 12वीं परीक्षा की घोषणा। मोदी सरकार ने परीक्षा के लिए राज्यों से 2 दिन में मांगे प्रस्ताव। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना को दी मंजूरी। आरक्षित वर्गों के कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए मिलेंगे वाउचर। प्रदेश के विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को राज्य सरकार अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा हेतु वाउचर उपलब्ध करवाएगी। सीबीएसई 12वीं के छात्रों को परीक्षा फॉर्मेट की प्रतीक्षा। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं का अजमेर रीजन के विद्यार्थियों को भी इंतजार है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा में परीक्षाएं कराने पर सहमति बनी है। अब 1 जून को इसका अधिकृत फैसला होगा। आज के मुख्य समाचार होते हैं समाप्त। इसी प्रकार के शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े रहने के लिए और अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत सारी जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।